Hello everyone. Good afternoon to all of you. Hello everyone. Good afternoon to all of you. Welcome you to all Amul Facebook page. Hello. Please join fast. Hello. Good afternoon to all of you. Hello everyone, welcome you to all Amul Facebook page. Myself, Shaprachi Saxena, founder of RGS Culinary, Mumbai, Maharashtra. Today I am going to show you multigrain honey oats loaf with prosciutto. आज की जो रेसिपी है उसमें मैं prosciutto बनाने वाले हूँ और साथ में जो हनी ओट्स लोफ है उसकी मैं आपके संग रेसिपी यहाँ पर शेयर करूंगी. तो सबसे पहले ना इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है. आज की रेसिपी बहुत ही चीजी बटरी. हनी ओट्स लोफ बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कप मैदा लिया है. एक कप ये सॉरी मैदा नहीं है, ये वीट फ्लावर लिया हुआ है और साथ में ये मल्टीग्रेन फ्लावर है. ये एक कप वीट फ्लावर, ये है मल्टीग्रेन फ्लावर. जिनको मैदे से बनाना है वो बना सकते हैं. साथ ही में 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून पाउडर शुगर. मिल्की टेस्ट देने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, है ना. सबसे पहले मैं ब्रेड का मिक्सचर बता रही हूँ. यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट ले लेते हैं, उसके बाद हम अब है हमारे पास ये ओट्स. ये हम यहाँ पर 4 यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ओट्स के लिए हुए हैं. ये सब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे. अभी इसका जो डो है वो वॉर्म वाटर के साथ में लगा सकते हैं, आप मिल्क के साथ लगा सकते हैं. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मिल्क पाउडर डाला है तो मैं मिल्क के साथ नहीं लगाऊंगी. चूंकि हनी ओट्स लोफ है तो यहाँ पर मल्टीग्रेन अभी हम लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून हनी.
इंस्टेंट ईस्ट, ये है। यहां पर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून ईस्ट का लेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने मल्टीग्रेन फ्लावर लिया है, तो थोड़ा सा आधा चम्मच लिया था और अभी 1 टीस्पून। क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीग्रेन फ्लावर लिया है, व्हीट फ्लावर लिया है, तो इसमें हमारा जो पानी है वो भी थोड़ा ज्यादा जाएगा। रीजन ये है कि ये ग्लूटेन इसमें नहीं है। तो उसमें हम थोड़ा सा 1.5 टीस्पून ईस्ट लेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 कप हमारा ये हो गया है। वो भी पानी वार्म वाटर के साथ में ये डो लगाना है, तो मैं आपको डो बाद में दिखाऊंगी। इससे पहले हम यहाँ पर एक फिलिंग जो बनाने वाले हैं वो बना लेते हैं। ये है हमारे पास, ये यहाँ पर पैन अच्छे से गरम कर लेंगे। और यहाँ पर ये मैंने ये बटर मेल्ट हो गया था वो लिया हुआ है, साथ में ये मैंने अमूल का बटर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, इसी में मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, क्योंकि हम जो फिलिंग बनाने वाले हैं, एक फिलिंग बनाएंगे और दूसरा सैलेड बनाएंगे। यहाँ पर ये कुछ काले के टुकड़े लिए हुए हैं, यहाँ मैंने छीलकर ले लिए हैं। और अभी हम अच्छे से, हमारा जब ये ऑयल हीट हो जाएगा तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर गार्लिक की ऐड करेंगे। और गार्लिक को यहाँ पर हम ना थोड़ा सा क्रश कर ले रहे हैं, क्योंकि ये गार्लिक का और जो हम बेसिल लीव लेने वाले हैं उसका दोनों का फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा। अमूल का बटर तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, साथ में ऑलिव ऑयल भी लिया है। ऑयल अच्छे से हीट हो गया है, हम यहाँ पर गार्लिक लेंगे और गार्लिक को अच्छी तरीके से इसे बस कुक करना है। और हमारा जो ऑयल है वो उसमें गार्लिक का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा, और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। जस्ट इन्फ्यूज करना है, इसका कलर याद रखिए, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब हम सारा गार्लिक पहले बाहर निकाल लेंगे। और अभी है हमारे पास चॉप्ड ऑनियन, इससे पहले हम डालेंगे ग्रीन चिली, जिससे चिली का जो टेस्ट है वो सारा, जो तीखापन है वो सारा चिली का आ जाए। और अभी हम चॉप्ड ऑनियन ऐड कर देंगे। ये बेसिकली हम एक फिलिंग बना रहे हैं और उसके साथ हम सैलेड बनाएंगे।
गार्लिक के साथ में चिली भी डालकर इन्फ्यूज कर सकते हैं, और चिली भी बाहर इस तरीके से निकालेंगे तो आपका गार्लिक चिली ऑयल रेडी हो जाएगा फ्लेवर के साथ में। अभी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये जो हमारा अनियन है इसे बस ट्रांसल्यूसेंट ही कुक करना है, इसे बिल्कुल भी फुल कुक नहीं करना है और ना ही इसका कलर चेंज होना चाहिए। बेसिकली सैलेड के साथ में, रॉ सैलेड के साथ में ये तैयार किया जाता है विशेषता, लेकिन यहाँ पर मैं एक फिलिंग भी ऐड कर रही हूँ विथ चीजी ट्विस्ट। खाने में बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है पनीर, पनीर को मैश करके मैंने ले लिया है, इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे जिससे ये जलेगा, जलने से इसको बचाना है, ये ध्यान रखेंगे। पनीर और चीज की जो ये फिलिंग ये है टॉपिंग है, इसके साथ में इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। जस्ट फिलिंग सॉरी टॉपिंग के बाद हम यहाँ पर कवर करेंगे कि हमारा जो डो है वो कैसे हम लगाएंगे। मिक्सचर हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है, ये हमारे पास अब हम इसे फ्लेवर करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पर्पल कैबेज और हमारे पास है ये बेसिल लीफ जिसे हम हाथ से ही तोड़कर थोड़ा सा ऐड करेंगे तरीके से। ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, सॉरी यहाँ पर हमारी ये जो टॉपिंग है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो थोड़ा सा आप वेजीज में यहाँ पर जो भी चाहे आप ऐड कर सकते हैं, आप उसके लिए बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर पनीर के साथ में इसे रेडी कर लिया और हम इसे बाहर निकाल लेंगे। जिससे ये ठंडा हो जाए जल्दी से और हम बेसिल इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम अपना डो प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मैंने फ्लावर वीट फ्लावर, हेलो रीता जी हेलो, इसमें ये जो हनी ओट्स लोफ का जो ड्राई मिक्सचर है उसमें मैंने क्या क्या लिया है एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर लिया है मैंने वीट फ्लावर, एक कप वीट फ्लावर 200 ग्राम का कप था और हाफ कप मल्टीग्रेन फ्लावर, दोनों को मिक्स किया। साथ में हाफ कप ही मैंने इसमें ओट्स रोल्ड ओट्स लिया हुआ है, उसको मिक्स करेंगे। साथ में 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1.5 टीस्पून यानी 1 प्लस 1/2 टीस्पून ईस्ट। तो सभी मिक्सचर को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच हनी अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। हाथ से कर लेते हैं, डो काफी अच्छे से लग पाएगा।
ये लोग बहुत अच्छा मल्टीग्रेन हनी ओट्स लोग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये देखिए यहाँ पर वार्म वाटर से स्लोली स्लोली ऐड करते हुए डो को नीट करना है। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी अगर आप थोड़ा और रिच टेक्सचर चाहते हैं तो आप मिल्क पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप मिल्क के साथ में डो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर और पानी मैं नहीं ले रही हूँ, इसे ही हम अच्छी तरीके से नीट करेंगे। आज की रेसिपी है, बताते हैं एक मिनट। ये देखिए ये दुष्यता बना रही हूँ हनी ओट्स लोफ के साथ में। तो हनी ओट्स लोफ यहाँ पर किस तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं हेल्दी वर्जन में, वो मैं यहाँ पर डो के साथ में प्रिपेयर कर रही हूँ। डो नीडिंग का प्रोसेस थोड़ा सा मशी होता है, लेकिन फिर भी मुझे आपको दिखाना था तो मैं यहाँ पर इसे, ये देखिए सारा एक साथ मिक्स हो गया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है अमूल का बटर मेल्ट करके, डो को अच्छी तरीके से। रीता जी इज इट क्लियर कि मैं आज क्या बना रही हूँ? चलिए आप ही बताइए आज मैंने अभी क्या बताया और मैं क्या बना रही हूँ। बटर को 2 टेबलस्पून लेना है और 3-4 बैचेस में ऐड करेंगे। डो को स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है और ग्लूटेन डेवलप करना है बेसिकली। ये ब्रेड बहुत ही, ये आपकी जो सबवे वाली ब्रेड होती है सैंडविच ब्रेड, ये वो ब्रेड बनकर तैयार होती है। और इसकी रेसिपी, कंप्लीट रेसिपी यहाँ मैं आज लाइव में बता रही हूँ। कंप्लीट रेसिपी आप देखने के लिए आरजीएस कलिनरी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहां मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको। वहां पर ब्रेड की और भी रेसिपीज मिलेंगी और ये ब्रेड मैंने सबवे सैंडविच के साथ में कवर की हुई है। तो इतना हेल्दी और टेस्टी ब्रेड अगर घर में बन सकता है तो बाहर का अनहेल्दी ब्रेड खाने की तो जरूरत ही नहीं है। इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा नीट करना है। आप जो किचन का स्लैब होता है उसके ऊपर काफी अच्छे से थोड़ी सी मेहनत के साथ में आप डो को अगर तैयार करेंगे ना, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स नीडिंग। पीटा ब्रेड नहीं, पीटा ब्रेड नहीं, ये लोफ है। पीटा ब्रेड फ्लैट ब्रेड होती है। ये हनी ओट्स लोफ है। हेलो अर्चना दी, हेलो। थोड़ा सा इसे, क्योंकि यहाँ पर मैं रोटी बेलने वाला जो चकला होता है ना, ये आप डो नीडिंग का प्रोसेस अगर स्टोन पर करते हैं मतलब इस तरीके से, तो उसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर ही कर रही हूँ, अदरवाइज जो किचन का प्लेटफॉर्म है आप वहां पर करें काफी। अगर मैं उस तरह से करूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। ऑलमोस्ट
10 मिनट्स तक इसकी नीडिंग करनी है अच्छे से। जितना अच्छा नीड करेंगे ब्रेड का रिजल्ट उतना ही अच्छा आने वाला है। हाय अरुणा, ओट्स दो फॉर्म में डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने रोल ओट्स डायरेक्ट डाला है, आप ओट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने क्या क्या लिया है एक बार रिपीट कर देती हूँ। डो के लिए व्हीट फ्लावर 1 कप, 200 ग्राम का मल्टीग्रेन फ्लावर, मल्टीग्रेन फ्लावर आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने वो भी होममेड ही लिया हुआ है। साथ में मैंने टॉपिंग कवर की है अभी तक। इसके बाद हम जो ब्रेड मैंने बेक करके रखी है, ब्रेड की प्रोसेस के बाद एक एक स्टेप हम यहाँ पर कवर करेंगे। थोड़ा टाइम देते देते हमारा जो डो नीडिंग है वो स्टिकी नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। जैसे ही इसकी स्टिकनेस स्टॉप हो जाएगी कि मतलब अब ये चिपक नहीं रहा है, तो आपका डो परफेक्टली डन हो गया है। और आप ज्यादा क्वांटिटी में अगर लगाना चाहते हैं तो इसकी ही क्वांटिटी का ध्यान रखें, क्वांटिटी को डबल कर दें। इसमें मेरा 1/2 कप वाटर लगा है, वार्म वाटर। मिल्क लेंगे तो भी इतना ही लगेगा। देखिए बाउंस पैक होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा, 2 मिनट अभी और इसकी नीडिंग करते हैं। एक तो ये वीट का ब्रेड है, मल्टीग्रेन है, ओट्स है, हनी की थोड़ी सी स्वीटनेस है और साथ में हेल्दी भी है। ईस्ट गया है तो पूरी तरीके से हेल्दी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप मार्केट से जो लाते हैं उससे तो ये बेहतरी है, क्योंकि वो आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पर किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, कि वो हाइजीनिक है या नहीं है। लेकिन आप जो अपने हाथ से घर पर बनाते हैं वो तो पता है ना कि पूरी तरीके से हाइजीनिक है। ये देखिए तो हमारे पास ये, हम थोड़ा सा जो हमारा बोल है उसको हम ग्रीस कर लेंगे, जिससे ये ड्राई नहीं हो पाए और आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है और इसको भी थोड़ा सा बटर लगा के ग्रीस कर देंगे। ये देख सकते हम इसे कवर करके वार्म प्लेस पर रखेंगे 1 घंटे के लिए। सपोज ओवन में रख सकते हैं, लेकिन ओवन को चलाना नहीं है, ये खासकर ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको रखती हूँ और जो मैंने रेडी करके रखा है तो ये देखिए, ये मैंने 11:30 बजे लगाया था, ये देखिए ये फर्स्ट प्रूफिंग हो चुकी है इसकी और ये कितना अच्छे से तैयार हुआ है। तो इसकी सारी एयर हम पहले आउट करेंगे, है ना, और अच्छी तरीके से निकाल के फर्स्ट प्रूफिंग के साथ में मैंने अभी आपको दिखाया। अब हम इसे लोफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हनी ओट्स लोफ बना रहे हैं। 1 कप के फ्लावर से आपका 6 इंच का बिल्कुल परफेक्ट लोफ तैयार होगा, है ना। रोलर पिन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए, इसमें मल्टीग्रेन फ्लावर, ओट्स, वीट फ्लावर,
आप जो व्हीट फ्लार है उसके साथ में आप ब्रेड फ्लार और व्हीट फ्लार दोनों को हाफ ऑफ क्वांटिटी में करके ले लेंगे, ले सकते हैं। रीजन ये है कि अगर आप यूज करना चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। कर्ड की प्रोसेस के साथ अगर इसे आप लगाते हैं तो थोड़ा सा लेंदी होता है। यहाँ पर हम इसे 6 इंच तक का, यानी 1 इंच की जो स्केल है उसे मेजरमेंट लेंगे और अच्छी तरीके से अंदर की साइड रोल कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये एजेस, साइड की एजेस को एक साथ प्रेस करते हुए ऊपर लेके आना है ताकि लोग को सील किया जा सके, ठीक है। और हमारी जो ऊपर की एजेस आई हैं, उसे हम अपनी उंगली से पिंच करते हुए सील कर देंगे, ठीक है। ये हमारा 6 इंच का 1 कप 1.5 कप के फ्लावर में हमारे पास ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो बेक किया हुआ है, मैं इसी के ऊपर ये दूसरा भी रख रही हूँ, ये सेकंड प्रूफिंग के लिए, सेकेंड प्रूफिंग के लिए अब इसे रखना है। तो उसको कम से कम आधे घंटे के ऊपर अगर रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप वार्म प्लेस पे आधे घंटे के लिए रख दें। अभी हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे ये हनी है, सेकेंड प्रूफिंग के बाद भी ये कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हनी को अच्छी तरीके से इसके ऊपर ग्रीस कर लेंगे। मिल्क एक बार हम इसके ऊपर ग्रीस करेंगे, बट बाद में, अभी नहीं। ये ओट्स स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेक्सीड लिया है, रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर आप कोई भी अपनी मर्जी का सीड्स ले सकते हैं। यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, पम्पकिन सीड्स, तो यहाँ पर मैं पम्पकिन सीड्स और फ्लेक्सीड इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये जो हमारा लोफ है जिससे क्या बनने वाला है, ब्रुशेटा बनने वाला है, ये लोफ यहाँ पर मैंने 6 इंच का बनाया है, इसे मैं सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखने वाली हूँ। तो इसे मैं ओवन में ही रख दूंगी, और ओवन कैसा कि ओवन थोड़ा सा हल्का सा वार्म है, बस वैसे ही। अगर आप जल्दी प्रोसेस कर चाहते हैं तो फिर जो हल्का सा मतलब आपने ओवन में कुछ किया हो, या तो फिर नहीं ऑन करके उसको 2 मिनट के लिए वैसे ही जाने दें और फिर स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद आप इसको रख दें, ताकि जैसे ही इसको वार्म वो मिलेगा प्लेस तो ये जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, यानी आधे घंटे से कम में भी हो जाएगा। मैंने उसके साथ भी वही किया था, सेकंड प्रूफिंग के लिए उसे 20 मिनट रखा था, लेकिन हमारा जो ओवन था वो ऑलरेडी यूज हो रहा था,
बंद था और मैंने वहां पर रखा तो वो जल्दी हो गया। बेसिकली जब भी लोफ या ब्रेड जो बनते हैं उसके चैम्बर होते हैं उसमें जब लगाते हैं तो वो ऑलरेडी ना हीटेड ओवन होता है, उसमें वो जो फैक्ट्रीज में होता है वो जल्दी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर इसे हम रखते हैं, बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ लोफ का जो बेस है वो ये किया, शेयर किया, किस तरीके से डो प्रिपेयर करना है वो तैयार किया। अब प्रोसेस उसकी अगर हो जाएगी तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि फर्स्ट प्रूफिंग में उसका रिजल्ट क्या हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा वेदर का है इश्यू, इस वजह से नहीं होगा। तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने बेक करके रखी हुई है, इसे कट भी कर लेते हैं। ये मैंने कल ही बेक करके रख ली थी, जब ये अच्छे से, ये देखिए, तो इसके स्लाइसेस कट करते हैं बनाने के लिए। आप इसके साथ गार्लिक ब्रेड भी बना सकते हैं, ये देखिए है बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन तक जितना करना है उतनी स्लाइसेस हम इसकी निकाल लेंगे। इतना डेलीशियस सा टेस्टी था हमारे पास क्या आ गया, प्रिपेयर होम मेड लोफ आ गया। और एक बार दोबारा से पैन को हीट करेंगे। अभी क्या करना है, यहाँ पे लिया है मैंने ऑलिव ऑयल, हम इस ऑलिव ऑयल में और बटर, ये मेल्ट हो गया था बटर, दोनों साइड से उसे टोस्ट करना है। मार्केट के लोफ से अच्छा ये लोफ बनकर मल्टीग्रेन में बिल्कुल रेडी हुआ है, बहुत ही, देखिए अच्छी तरीके से हीट हो जाने देंगे जिससे हमको जो दोनों साइड है वो क्रिस्प कर रही है। और ये जो गार्लिक है ये आप गार्लिक प्रेशर में डालकर उसे मैश करके भी ले सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा और क्रश कर ले रही हूँ। गार्लिक इस तरीके से ऑयल में, जी थैंक यू रीता जी, थैंक यू जी, हाँ खाने में भी बहुत अच्छी है, मैंने ऑलरेडी इसे, अगर किसी की रेसिपी थोड़ी भी मिस हो गई है और पूरा लाइव नहीं देखा है, शॉर्ट में देखना चाहते हैं बट पूरी कंप्लीट रेसिपी के साथ, आप आरजेएस कलनरी के यूट्यूब चैनल पर ये रेसिपी आपको मल्टीग्रेन लोफ की मिल जाएगी, आप वहां देख सकते हैं। बेसिकली एक एक इंग्रेडिएंट, अगर इसके ऊपर से अगर हम सपोज दैट सीड्स नहीं है हमारे पास या फिर हम सारी चीजें नहीं घर पर अवेलेबल है, तो आप फ्लेक्स सीड आज के टाइम में हर जगह पे लोग यूज कर रहे हैं, तो फ्लेक्स सीड के साथ में इसे मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ और हमारा जो ये ब्रेड है वो हम तो आप फ्लेक्स सीड ही सिर्फ ऊपर से गार्निश करें, है ना, और बढ़िया से एकदम इसी तरीके से आप गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। आप इसी लोफ के साथ में बटर में गार्लिक को इन्फ्यूज करें और
उसका इस्तेमाल करें विद हर्ब्स। यहाँ तेज आंच पे इसे ये कर लेंगे और इन्फ्यूज किया हुआ जो गार्लिक ऑयल था वो तो हमने यहाँ पर ये पनीर के साथ जो फिलिंग बनाई है पनीर कैबेज और बेसिल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इसे हम थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, ये क्रिस्पी क्रिस्पी टोस्ट करना है। आप इस तरीके से ओवन में भी इसे टोस्ट कर सकते हैं। ये ब्रेड देखिए इतना सॉफ्ट हो गया है कि मार्केट का ब्रेड फेल है। हेलो प्रीति जी, ब्रुशेता बना रही हूँ जिसमें जिसके लिए यहाँ पर मैंने हनी ओट्स लोफ की रेसिपी कवर की हुई है। अगर आपने लेट से ज्वाइन किया है तो जरूर लाइव को देखें। अभी मैंने ना गार्लिक को एकदम बिल्कुल मैश कर लिया है। आप गार्लिक क्रशर में डालकर तुरंत इसे कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से मैश हो गया है। यहाँ पर गैस की फ्लेम भी स्विच ऑफ कर दी मैंने और ये जो हमारा मैश किया हुआ गार्लिक है इन्फ्यूज मैश किया हुआ गार्लिक, अरे वाह ग्रेट, आपकी फेवरेट है तो जरूर फिर तो आप बनाते ही होंगी। ये यहाँ पर बट सबकी रेसिपी थोड़ी सी अलग होती है तो फिर एक बार जरूर देखिए ट्राई करिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो हमने बटर और ये लिया था ऑलिव ऑयल उसी में मैंने ये गार्लिक को मिक्स कर दिया है और हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। गैस की फ्लेम ऑफ है, क्रिस्पी कर लिए हैं मैंने। आप ओवन में भी कर सकते हैं लेकिन जहां पे ओवन नहीं है उनके लिए बढ़िया से आप ये जो हमारा गार्लिक का मिक्सचर है इसे आप, ये कुक्ड गार्लिक है रॉ गार्लिक नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में इसको ऑयल के संग इन्फ्यूज करके और फिर निकाल लिया था। कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसका खासकर ध्यान रखें। आप रोस्ट किया हुआ गार्लिक भी इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से उसको भून लीजिए एकदम जिस तरीके से चोखे का तैयार किया जाता है। ये हो गया, अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारा सैलेड क्योंकि फिलिंग तो ऑलरेडी रेडी है। बनाने के वक्त क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है तो उसको भी मेंटेन करना जरूरी है ना। सैलेड प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास चेरी टोमेटो, ये मैंने बाकी के काट लिए हैं, ये यहाँ पर थोड़े से अगर बड़े हैं तो चार पार्ट में कर लीजिए नहीं तो आप दो पार्ट में इस तरीके से चेरी टोमेटो को कट कर लें। इसमें हम ऐड करेंगे हमारे पास है ये सैलेड लीव, इसे हम थोड़ा सा टुकड़ों में कट कर लेंगे।
चेरी टोमेटो के साथ में हमने यहाँ पर लेटस ले लिया है और पार्सली लेंगे। ये सब नहीं है अगर तो आप अपने इंडियन इसकी जगह पर कैबेज ले सकते हैं, नॉर्मल टोमेटो ले सकते हैं, वो भी आपके पास है आप उसको ले। और ये थोड़ी सी इसमें पार्सली ऐड करेंगे, हमारे पास है ये बेसिल लीव, और गार्लिक लीव, सॉरी गार्लिक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका। तो यहाँ पर सारी चीजें मिक्स कर ली हैं, आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी मैं सीजनिंग ऐड करूंगी, सीजनिंग सारे में एक साथ नहीं ऐड करेंगे, जितनी मुझे जरूरत है। ये हो गया, ये मैंने एक चम्मच ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सॉल्ट, साथ ही में हम डालेंगे इसमें बाल्सामिक विनेगर, ये अगर नहीं है तो फिर हल्का सा आप इसमें ये अगर आपके पास नहीं है तो अपने इंडियन ऑप्शन है कि आपके पास अगर गन्ने का सिरका है 120 आपके पास अगर गन्ने का सिरका है ना, हेलो सुनीता जी हेलो, तो आप सब घरों में नहीं होता, जो विलेजेस में है आई थिंक उनके पास होगा, तो आप इसका सब्स्टिट्यूट वो ले सकते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बाल्सामिक विनेगर की जगह गन्ने का सिरका ऐड कर दें, हल्का सा टैंगीनेस आ जाएगा। स्वीटनेस के लिए वहां पर थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे, क्योंकि जो सैलेड बेस है वो हल्का सा खट्टा मीठा तीखा चाहिए। तो ये हमारे पास रेडी हो गया, और ब्रुशेटा का जो हमारा ब्रेड है वो भी फिलिंग रेडी है। तो हम तीनों को सबसे पहले हम यहाँ पर चीज लेंगे, लेकिन ये हमारे पास अमूल का चीज, बस इसके ऊपर चीज पहले ग्रेट करेंगे अच्छे से।
थोड़ी सी चीज को हम यहाँ पर बंद करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉर्च, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि हम ओवन में रखें, थोड़ा रोक के। ये इंस्टेंटली हमारे पास रेडी हो गया। अभी जो हमारा ये पनीर और पर्पल कैबेज के साथ में इन्फ्यूज विद गार्लिक बटर, बटर एंड ऑलिव ऑयल के साथ में जो हमारा ये टॉपिंग था, हम उसे यहाँ पर दीपाला की ये हनी ओट्स लोफ ब्रेड है। ये देखिए, आपने लगता है बहुत लेट ज्वाइन किया, ये देखिए ये लोफ ब्रेड घर में बेक हुआ है और ये पूरी तरीके से हाइजीनिक है, हेल्दी है, वीट के साथ में बनाया, ओट्स है, हनी है और साथ में हमारे पास है सैलेड। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम पर्पल कैबेज लेंगे। इसीलिए ब्लैक पेपर से थोड़ा सा सीजन कर देंगे। अदरवाइज आप इस पे गार्लिक चिली ऑयल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। हेलो शाबिल जी, थैंक यू। और इसे क्या करते हैं अभी, फटाफट से गार्निश हो चुकी है तो प्लेटिंग भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिए मैंने सैलेड लीफ, इसके ऊपर एक एक करके अरेंज कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल दुशिता विद हनी ओट्स लोफ के साथ में हमारा रेडी हो गया है।
इस तरीके से कंप्लीट रेसिपी आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। रेसिपी मैंने इसीलिए ट्राई शेयर करी आप सबके साथ, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे पिन कर सकते हैं मैसेंजर पर। अदरवाइज आप अगर कंप्लीट रेसिपी शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब आरजीएस कलिंदरी यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, आपको वहां से कंप्लीट रेसिपी मिलेगी, क्योंकि ये वहां पर मैंने शेयर की हुई है। ब्रेड सीरीज की हमारी ये रेसिपी थी, और आप इस लोफ के साथ में क्या क्या बना सकते हैं वो भी मैं बताऊँ। ये सब्वे की जो सैंडविच होती है ये वो ब्रेड की लोफ है, आप आराम से उसके साथ में बना सकते हैं, गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। तो हेल्दी ऑप्शन के साथ में इस तरीके से आप रेडी करें, और रेसिपी पसंद आई हो तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर देखिएगा, जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए भी। और तो क्विक रिकैप में मैं फटाफट से एक बार रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया था। लोफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लावर लिया, उसमें मैंने ओट्स लिया, साथ में मल्टीग्रेन लिया, 1 कप व्हीट फ्लावर, 1/2 कप मल्टीग्रेन फ्लावर, 1/2 कप ओट्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून पाउडर शुगर एंड इंस्टेंट ड्राई इस 1.5 चम्मच लिए हैं, 1.5 टीस्पून, 1/2 चाय का चम्मच है ना। और फिर उसके बाद उसमें मैंने लिया 1 टीस्पून हनी, अच्छे से पूरे डो को मिक्स करना है, वार्म मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून 1 कप के रेशो में। आप और ज्यादा उसको रिच बनाना चाहते हैं तो आप और ले सकते हैं, 2 टीस्पून ले सकते हैं, अदरवाइज हाँ श्योर मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है रीता जी। और साथ में वार्म वाटर के साथ या फिर वार्म मिल्क के साथ में आप इस रेसिपी को डो को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट प्रूफिंग के लिए इसे 1 घंटे के लिए रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें व्हीट और मल्टीग्रेन फ्लावर है जिसमें दोनों में ही ग्लूटेन नहीं है, जिसकी वजह से उसमें टाइम लग सकता है, और वेदर पे डिपेंड करता है। विंटर्स में 1 घंटा, समर्स में 45 मिनट्स भी हो सकता है। वार्म प्लेस पर रखेंगे, यानी ओवन को ऑन करके और ऑफ कर देंगे, जस्ट हल्का सा वार्म हो जाएगा उसमें रखेंगे तो 1/2 घंटे में भी हो जाएगा, जैसे मैंने आज किया। उसके बाद एक टॉपिंग बनानी है, फिलिंग लेनी है, साथ में अमूल की चीज बटर के साथ में हमारा ये टॉपिंग बनाने के लिए मैंने इसमें पनीर का इस्तेमाल किया है, पनीर कैबेज एंड थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं यहाँ पर, ऑरेगानो एंड, जिससे ये बच्चों का और भी फेवरेट हो जाएगा। फिलिंग एंड सैलेड आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लोफ की रेसिपी बनाएं और ट्राई करें। आज का लाइव यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और न्यू सेशन में कुछ और इनोवेटिव रेसिपीज के साथ में। कोशिश करूंगी कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर में मिलने वाले आसानी से जो इंग्रेडिएंट है आपके साथ वो ही रेसिपी शेयर करूँ। तो आपको रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक अपना टाइम निकाला, ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन, सो बाय।